दोस्ती, रेप, शादी और धोखा। ग्वालियर में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। दो बच्चों के बाप ने फेसबुक पर दोस्ती कर रेप किया और आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली। घर नहीं ले जाने पर शक हुआ तो वह उसके घर पहुंच गई। वहां उसकी पत्नी और बच्चे मिलने पर मामला खुला। इस दौरान सभी ने मिलकर मारपीट कर भगा दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने रेप का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र के त्यागी नगर में रहने वाले 26 वर्षीय युवती की एक साल पहले फेसबुक पर मनीष कुशवाहा से दोस्ती हुई थी। दोस्ती होने के बाद उनके बीच बातचीत होने लगी और वह आपस में मिलने लगे। इसी बीच जनवरी माह में मनीष ने उससे शादी करने की इच्छा व्यक्त की और बातचीत करने के लिए बुलाया। छात्रा उससे मिलने पहुंची तो वह उसे लेकर नई सड़क स्थित होटल शारदा पहुंचा। युवक ने होटल में पहले से ही एक कमरा बुक किया हुआ था। कमरे में पहुंचते ही मनीष ने शादी की बात की और उसके साथ रेप किया। इसके बाद भी आरोपी युवती को आए दिन होटल में लेकर जाता और उसके साथ गलत काम करता था। जब छात्रा ने शादी का दबाव बनाया तो वह उसे आर्य समाज मंदिर ले गया और शादी की। इसके बाद भी वह उसे अपने साथ नहीं ले गया और वह उसके घर पर आकर पति पत्नी के जैसे रहता था। दो दिन पहले छात्रा उसके घर पहुंची तो पता चला कि मनीष पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। वहीं मनीष की पत्नी को उसके बारे में पता चला तो उसने धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। और इसके बाद मनीष उसके घर पहुंचा और धमकी दी कि अगर उससे उलझी तो वह उसके पूरे परिवार को जान से खत्म कर देगा। आरोपी पहले से ही शादीशुदा था और दो बच्चों का बाप है। पीड़ित युवती ने शिकायत की और आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एक युवती ने आकर प्रथम सूचना दर्ज कराई है कि एक व्यक्ति जो है जिसने फेसबुक पर दोस्ती करके और शादी का झांसा देकर उससे होटल में जाकर शादी रचाई और शादी रचा के और उससे अपने घर पहुंचा दिया और वो खुद स्वयं अपने घर गया और उसके साथ में कई बार दुष्कर्म किया और अपनी पहचान छुपा के रखी कि वो स्वयं शादीशुदा था और शादीशुदा होने के बावजूद भी उसने दूसरी युवती से इस तरीके का कृत्य किया जिस पर कि महिला द्वारा अपराध पंजीबद्ध कराया गया है, जिसमें हमने अपराध पंजीबद्ध कर इन्वेस्टिगेशन किया, जो सही पाए जाने पर आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया है। राजवाटिका विवाह घर सर्वसुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओतप्रोत। राजवाटिका विवाह घर में इंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।